प्लास्टिक की पुरानी बोतलों से बिल्कुल नई पैकिंग। जर्मनी में प्लास्टिक को बाकी कचरे से अलग रखा जाता है, लेकिन इसके बाद इस प्लास्टिक का क्या होता है? मैं यही देखने जा रहा हूं कि क्या वाकई जर्मनी रिसाइकलिंग का चैंपियन है। कुछ हो न हो, लेकिन प्लास्टिक का कचरा पैदा करने में तो जर्मनी जरूर चैंपियन है। जर्मनी में 2016 में प्रति व्यक्ति 38 किलो प्लास्टिक कचरा पैदा हुआ, वहीं यूरोपीय संघ का औसत 24 किलो है। ये भारत और इंडोनेशिया से कहीं ज्यादा है, क्योंकि प्रति व्यक्ति भारत में 11 किलो और इंडोनेशिया में 17 किलो प्लास्टिक कचरा पैदा होता है। इसे ठीक से समझने के लिए मैं कचरा उठाने वाला बन रहा हूँ। इसका मतलब है कि सुबह 5:30 बजे काम शुरू। कपड़े भी बदलने होंगे, नारंगी रंग के कपड़े पहनने होंगे। मुझे आज आपकी जरूरत है। मेरी जरूरत? चिंता मत करिए, सब ठीक होगा। मार्टिन लगभग 2 साल से ये काम कर रहे हैं। हर दिन वो 20 किलोमीटर पैदल चलते हैं। बहुत ही थकाने वाला काम है। प्लास्टिक और पैकेजिंग वाले कचरे में बहुत वजन होता है। मुझे समझ आने लगा है कि प्रति व्यक्ति 38 किलो प्लास्टिक का क्या मतलब है। लेकिन समस्या इतना ज्यादा वजन नहीं है। हमें गलत जगह पर रखा हुआ पहला आइटम मिला है, तो हम इसे यहीं छोड़कर जा रहे हैं। That's not what belongs in the plastic bin. It's like metal. ये कुछ धातु जैसा है, प्लास्टिक तो बिल्कुल नहीं है। उद्योग संघ का कहना है कि प्लास्टिक कचरे के 40-60% डिब्बों में गलत चीजें डाली होती हैं। टेंट है, एक शेल्फ, कारपेट और ड्राइंग रैक। तो चलो रेड स्टिकर लगाओ। इसका मतलब है कि गलत डिब्बे में कचरा डाला है। घर का दूसरा कचरा है जिसे प्लास्टिक रिसाइकलिंग बिन में नहीं डालना चाहिए, इसलिए हम इसे लेकर नहीं जाएंगे। कचरे का वजन घट नहीं रहा है। अभी सिर्फ 2 घंटे हुए हैं और मैं थक कर चूर हो गया हूँ। मार्टिन ने बताया कि वो अकेले ये काम किया करते थे। अविश्वसनीय। फिर प्लास्टिक कचरा इतना बढ़ गया कि ये एक इंसान के बस की बात नहीं रही। 8 घंटे तक कचरा उठाने के बाद हम वापस वहीं आ गए हैं जहां से चले थे। पता नहीं इसमें कुल कितना कचरा होगा। अब इसे उतारना है। और ये तो बस एक ट्रक है। पूरे जर्मनी में ऐसे हजारों ट्रक होंगे जिन्हें खाली किया जा रहा होगा। दुनिया की बात तो छोड़ ही दीजिए। कितना है? आज लगभग 5.3 टन मिला है। ये बहुत ज्यादा है या कम? बहुत ज्यादा है। हाँ, मुझे भी ऐसा ही लगा था। जो कचरा मैंने कल जमा किया उसे यहाँ अलग अलग किया जाएगा। ये जर्मनी के सबसे बड़े सॉर्टिंग प्लांट्स में से एक है। ये बहुत बड़ी जगह है। प्लांट लगभग 7,000 वर्ग मीटर में फैला है। यहाँ कुछ बदबू आ रही है। यहाँ हर दिन 400 टन कचरा आता है, यानी कल मैंने और मार्टिन ने जितना कचरा जमा किया उसका 72 गुना ज्यादा। अभी इस प्लांट में हमारे पास काफी ज्यादा मटेरियल आ रहा है कोरोना वायरस की वजह से। हमारे सिस्टम में 20% से ज्यादा मटेरियल आ रहा है जिसकी सॉर्टिंग करनी होगी। इतने सारे प्लास्टिक में ज्यादातर को ऑटोमेटिक तरीके से प्रोसेस किया जाता है। आकार के हिसाब से मटेरियल की सॉर्टिंग होती है। बड़े बड़े चुंबक इससे धातु को निकाल लेते हैं और इंफ्रारेड स्कैनर वजन के हिसाब से प्लास्टिक की सॉर्टिंग करते हैं। लेकिन कुछ चीजें ऐसी हैं जिन्हें ये आधुनिक मशीन भी नहीं संभाल सकती। क्या होगा अगर मैं इस मशीन में इसे डाल दूं? दो उदाहरण देता हूं। पहला ये कि ये पीईटी से बना है, ये रिसाइकलिंग के लिए बढ़िया है, लेकिन काला रंग मशीन के लिए समस्या पैदा करता है। सबने स्कूल में पढ़ा है कि काला रंग प्रकाश को परावर्तित नहीं करता है। यहाँ भी यही बात है। खासकर इसे काली कन्वेयर बेल्ट से यहाँ लाया जाता है,
तो पहचानना मुश्किल हो जाता है कि ये असल में कौन सा मटेरियल है। दूसरी समस्या है ये दही का डब्बा। यहाँ इसके अलग अलग कंपोनेंट समस्याएं हैं जिन्हें भौतिक रूप से एक दूसरे से अलग नहीं किया गया है। तो इन दोनों को अलग अलग करिए और फिर ये आराम से रिसाइकल हो जाएंगे। एक और समस्या है विभिन्न परतों वाली प्लास्टिक, जैसे यहाँ मेरी चीज पैकिंग, इसमें लगभग 15 परतें हैं और अब उन्हें अलग नहीं किया जा सकता। आप सिर्फ उन्हें छोटे छोटे हिस्सों में काट कर जला सकते हैं, लेकिन इससे पर्यावरण में जहरीले तत्व आएंगे। उपभोक्ताओं के प्लास्टिक कचरे में से 60% को जलाया जाता है। रिसाइकलिंग दर के लिए इसका क्या मतलब है? आधिकारिक आंकड़ा है 38%, लेकिन इसमें वो सब कुछ शामिल है जिसे रिसाइकलिंग डिपो में भेजा जाता है, यहाँ तक कि वो कचरा भी जिसे हम दूसरे देशों में भेजते हैं। जर्मनी अब भी अपना 10 लाख टन से ज्यादा प्लास्टिक कचरा बाहर भेजता है। ऐसा करने वाला जर्मनी दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है। ग्रीन पीस का कहना है कि जिन ज्यादातर देशों में हम कचरा भेजते हैं वो दक्षिण पूर्व एशिया में हैं। लेकिन ये भी सही है कि ये सारा कचरा लैंडफिल में नहीं जा रहा है। ऐसा ना हो इसके लिए कुछ कंपनियां रिसाइकल हुई प्लास्टिक से नए सामान बना रही हैं। यहाँ उत्तरी जर्मनी में यह प्लास्टिक उत्पादन बनाने वाली कंपनी पोएपलमन है। ये कंपनी गमला बनाती है। देश के सिर्फ 16% प्लास्टिक कचरे से नए उत्पाद बनाए जाते हैं। हम प्लास्टिक जमा करने में वर्ल्ड चैंपियन हैं। शायद प्रोसेसिंग उतनी ज्यादा नहीं होती, लेकिन बात जब इसे नए उत्पादों में बदलने की आती है तो दर अब भी कम है, जबकि संभावनाएं काफी हैं। इस कम दर की एक वजह यह है कि प्लास्टिक को रिसाइकल करना महंगा है। 1 टन नए प्लास्टिक को रिसाइकल करने में 230 यूरो खर्च होते हैं। जितनी बार प्लास्टिक रिसाइकल होती है उसकी गुणवत्ता उतनी ही कम होती जाती है। वो जल्दी फटने लगती है, गर्मी कम सहन करती है। यहाँ तक कि प्लास्टिक को अलग अलग करने और उसे धोने में भी बहुत ऊर्जा खर्च होती है। आप दोबारा प्लास्टिक को 100% शुद्ध नहीं बना सकते, और ऐसे उत्पादों का बाजार भी बहुत छोटा है। पोएपलमन 3 साल से इस काम में लगी है, लेकिन अभी तक कंपनी मुनाफा कमाने की हालत में नहीं पहुंची है। तो ये बात पूरी तरह से सही नहीं है कि जर्मनी रिसाइकलिंग में चैंपियन है। बेशक यहाँ बहुत सारा प्लास्टिक कचरा जमा किया जाता है, लेकिन उसमें से सिर्फ 16% से ही नए उत्पाद बनाए जाते हैं। बाकी बचे 84% को या तो जला दिया जाता है या फिर दूसरे देशों में भेज दिया जाता है। तो हल क्या है? प्लास्टिक उत्पादकों को ऐसी पैकिंग तैयार करनी होगी जिसे आसानी से रिसाइकल किया जा सके।